हाय, दिस इज वसीम। और आज का लेसन जो मैंने आपके लिए बनाया है बहुत ही आसान है और आपने उसको इस्तेमाल भी किया होगा, लेकिन असल सेंस का होना जो है वो ज्यादा जरूरी होता है। तो आइए लेसन की तरफ चलते हैं अपने। आपने एक वर्ड सुना होगा फ्रेंड्स, रेडी, राइट? तो रेडी से हमने जो है स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर बनाया है। उम्मीद करता हूं ये लेसन भी आपको पिछले लेसन की तरह पसंद आएगा और ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। तो रेडी टू जो है वो हम कब किस सेंस में इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी काम को खुशी से करने के लिए तैयार रहना, राइट? यानी किसी काम को खुशी से करने के लिए तैयार रहना। कि कोई भी काम है, अगर आपके घर वालों ने आपको कोई काम कहा, किसी ने कोई काम कहा, तो आप उसे करने के लिए बखुशी आमादा हैं, तैयार हैं। तो उस सेंस में आप इस स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करेंगे। और कई दफा ऐसा होता है कि अगर मैं कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट में पढ़ा रहा हूं तो वो यकीनन पास्ट में भी आ सकता है। कुछ नहीं आते हैं, कुछ आ जाते हैं, तो स्टूडेंट अमूमन पूछते हैं। तो उस पॉइंट को भी हम क्लियर करते हुए लेंगे। तो आ जाएं फॉर्मेट की तरफ, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमारा है हेल्पिंग वर्ब लेंगे, इज, एम, आर और रेडी टू, और उसके बाद वी वन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? तो ये हमारा है इज, एम, आर के बाद अगर आप नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा कि कोई तैयार नहीं है। और अगर क्या कोई तैयार है तो आप क्या करेंगे कि इज, एम, आर को सब्जेक्ट से पहले रख देंगे तो वो आपका हो जाएगा इंटरोगेटिव। और उससे पहले आप WH रख देंगे, जो कि पिछले लेसन्स में मैंने पढ़ाया भी है आपको। टेंसेस में आप जाके इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारे टेंसेस जो हैं जो हमने पढ़ाए हैं तो उनमें जाके आप देख सकते हैं। तो आइए लेसन की तरफ चलते हैं कि मैं वापस जाने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी टू गो बैक। और इसे अगर आप पैस्ट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, वॉज और वर आप इस्तेमाल कर लेंगे। यहां पर इज, एम, आर की जगह आप क्या इस्तेमाल कर लेंगे, वॉज और वर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? तो आई वॉज रेडी टू गो बैक, मैं वापस जाने के लिए तैयार था। और अगर फ्यूचर में आप बनाएंगे तो क्या करेंगे, आई विल बी रेडी टू गो बैक, मैं वापस जाने के लिए तैयार होऊंगा। तो इस तरह आप करके इसको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ही इज रेडी टू हेल्प अदर्स, यानी वो हमेशा, ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स, वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है। आई एम रेडी टू लीव इन 10 मिनट्स, राइट? जैसे कहते हैं ना भाई, इंतजार करें, वेट, आई एम रेडी टू लीव इन 10 मिनट्स, मैं 10 मिनट में रवानगी के लिए तैयार होता हूं या तैयार हूं, राइट? आर यू रेडी टू, अब सवाल बनाना है तो इस जमार को पहले रख दें। आर यू रेडी टू लर्न इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी सीखने के लिए तैयार हैं? ओह, दैट्स गुड। इज शी रेडी टू गो टू यूनिवर्सिटी, क्या वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार है? दे आर रेडी टू हैव लंच, वो लोग लंच करने के लिए तैयार हैं। अब नेक्स्ट आ जाए, अब डब्ल्यू एच बनाने आपने, वॉट आर यू रेडी टू डू, आप क्या करने के लिए तैयार हैं, राइट? तो जब आपने सवाल करना हो आप क्या करने के लिए तैयार हैं, यानी आप, उसके बाद आए क्या, तो आप लगाएंगे वॉट, वॉट आर यू रेडी टू डू। अच्छा, अब आप खेलने, खाने, सोने के लिए क्यों तैयार नहीं है, जो चाहे आप वर्ब लगाकर और इसको जो है आप सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द वर्ब आप चेंज कर सकते हैं। व्हाई आर यू नॉट रेडी टू प्ले, ईट और स्लीप, यानी आप खेलने, खाने, सोने के लिए क्यों तैयार नहीं है। व्हाई आर यू नॉट रेडी टू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश सीखने के लिए क्यों तैयार नहीं है। तो ये आपके डब्ल्यू एच बन जाएंगे। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स के ये लेसन आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा लेसन पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, लाइक जरूर करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब के बराबर में बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ। बाय बाय।